जगह ब्रैकेट में यूजिंग स्टैंडर्ड डिजर्ट कम आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इधर का कट जाएगा। पीछे पीछे अब देखिए, अब इधर का कट रहा है, इधर का ये आ रहे हैं, तो इधर का कट रहा है। विधि जी का यूजिंग स्टैंडर्ड विजर्ड ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इनका स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो गया। अभी डाल दीजिएगा स्टेप नंबर टू, अभी डाल दीजिएगा स्टेप नंबर टू। We know by convolution theorem और ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा, इसको देखो ध्यान से बेटा, इससे कंपेयर कर रहे करके लिखा हमने, तो एक पूरा फॉर्मूला लिख दीजिएगा और इसका नंबर डाल दीजिएगा नंबर ए, पूरा फॉर्मूला लिख करके नंबर ए डाल दीजिएगा। L इनवर्स एफ पी इंटू जी पी इक्वल्स इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ वन एक्स एफ टू टी माइनस एक्स डी एक्स, ये एफ पी की वैल्यू है, ये जी पी की वैल्यू है, तो ये पूरा L इनवर्स एफ पी जी पी लिखा है, तो ये वाली वैल्यू कैपिटल आई की हो गई है। लीजिएगा कैपिटल आई इक्वल्स इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ वन एक्स इंटू एफ टू टी माइनस एक्स डी एक्स, लिख दीजिएगा यूजिंग सिक्स एंड सेवन, यूजिंग सिक्स एंड सेवन आई ऐसे ही इंटीग्रेशन ऐसे ही जीरो टू टी ऐसे ही एफ वन एक्स, देखिए बेटा ये एफ वन टी का आंसर है, तो एफ वन एक्स का आंसर क्या होगा, टी की जगह एक्स रख दीजिएगा, एफ टू टी माइनस एक्स, ये एफ टू टी का आंसर है, तो एफ टू टी माइनस एक्स का आंसर होगा टी रेज़ टू पावर माइनस ट्वाइस टी माइनस एक्स और डी एक्स ऐसे ही। इंटीग्रेशन देखो बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो टी वाले टर्म को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं,
तो लिख दीजिएगा e रेज टू पावर माइनस ट्वाइस टी फोर टी इंटीग्रेशन के बाहर 0 टू t ऐसे ही, और e की पावर आप चेक करें 3x dx बन गया है। माइनस टू से इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x बन जाएगा, और e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर 2x मिलकर के e रेज टू पावर 3x बन जाएगा। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस फंक्शन को fp माना, इस फंक्शन को जीपी माना, तो ये एफ पी की वैल्यू हो गई, ये जीपी की वैल्यू हो गई। इस फार्मूले में एफ पी की वैल्यू रखी तो एफ वन टी का आंसर आ गया पुराने फार्मूला से, इस फार्मूले में जीपी की वैल्यू रखी तो एफ टू टी का आंसर हमारे पास आ गया। एफ वन टी हमारे पास, एफ टू टी हमारे पास, ये जो एफ पी है ये जो जीपी है, अगर इसे ऐसे लिख दें तो बनेगा आई इक्वल्स एल इनवर्स एफ पी जीपी। एल इनवर्स एफ पी जी पी का फॉर्मूला ये होता है, तो ये आई के इक्वल है, तो ये आई का फॉर्मूला बन गया। तो हमने लिख दिया आई इक्वल 0 टू टी एफ वन एक्स एफ टू टी माइनस एफ टी एक्स। ये एफ टी है, इसकी हेल्प से एफ एक्स निकाल दिया, और इसी तरह से ये एफ टू टी है तो इसकी हेल्प से एफ टू टी माइनस एक्स निकाल दिया। तो ये फॉर्मूले में टी माइनस एक्स है, टी वाले टर्म को बाहर लिख दिया और एक्स वालों को मिला करके एक साथ लिख दिया। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा यूजिंग इंटीग्रेशन रिजल्ट। तो i इक्वल e रेस टू पावर माइनस ट्वाइस डी, ऐसे ही इंटीग्रेशन करते हैं e रेस टू पावर 3x अपॉन 3 लीजिएगा यूजिंग इंटीग्रल रिजल्ट्स। इंटीग्रल के इंटीग्रेशंस वाले रिजल्ट्स जो है उनका यूज कर लिया गया है। तो e रेस टू पावर 3x अपॉन 3 एक लिमिट रख दीजिएगा e रेस टू पावर माइनस ट्वाइस डी अपॉन 3, तो ऐसे ही आ गया। और इसमें लिमिट रख दीजिएगा e रेज टू पावर 3t और माइनस 0 रखेंगे तो e रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है और यही आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम है। एक और क्वेश्चन करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम का ही। कन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चन काफी सारे हैं, आज के एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कन्वोल्यूशन थ्योरम के ही हैं। तो ये क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, थोड़ा सा और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा मेथड। लिखेगा यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इवेलुएट द फॉलोइंग, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम evaluate the following expression, evaluate the following expression, page number 68, the L inverse 1 upon p square plus 1 into 1 upon p minus। तो आई कंसीडर कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकाल दीजिएगा सॉल्यूशन। अगर इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं लिखा होता तो आप देख सकते हैं कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, a upon p minus 2 b c plus c upon p square plus 1 करके, वो मेथड भी हम सिखा चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हेडिंग डाल दें, लिख दीजिएगा वी नो दैट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इज गिवन बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला लिख दीजिएगा ये वाला एल इनवर्स एफ पी जी पी इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ वन एक्स एफ टू टी माइनस एक्स। नेक्स्ट लिख दीजिएगा कंसीडर, जैसे किसी एक को एफ पी मान लीजिएगा और दूसरे को जी पी मान लीजिएगा। Using your
का फॉर्मूला लिखते हैं, एल इनवर्स एफ पी इक्वल्स एफ वन टी, और इसमें एफ पी की वैल्यू रख दें तो ये साइन टी का फॉर्मूला है आपको याद है, पर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थी टी अपॉन ए होता है, तो ये साइन टी बन गया है। यूजिंग और ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा एफ टू टी इक्वल्स एल इनवर्स जीपी, और जीपी की वैल्यू रख दीजिएगा ये ई रेस टू पावर ट्वाइस टी बन गया है, इसे टू कह दे रहे हैं इसे थ्री कह दे रहे हैं, जितना काम करा इस पे हेडिंग डाल दो स्टेप वन और अगला नया हेडिंग डाल दो स्टेप टू, हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर टू, दीजिएगा पुट इन द वैल्यूज इन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, वी हैव आई इक्वल जीरो टू टी, ऐसे ही इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं एफ वन एक्स, आप देख सकते हैं ये एफ वन टी का आंसर है, तो एफ वन एक्स का फॉर्मूला आ गया साइन एक्स, दूसरा टर्म है f2 t माइनस x, तो ये इसमें वैल्यू रख दीजिएगा तो f2 t माइनस x, और इंटीग्रेशन में dx आ रहा है तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो t वाला टर्म कांस्टेंट है, तो ये शॉर्ट वाइज t को बाहर लिख दीजिएगा, 0 t ऐसे ही e raise to power minus twice x ऐसे ही, और sin x और dx ऐसे ही, let it be four, दीजिएगा next line में consider the integral as I1 लिमिट छोड़ करके बाकी इंटीग्रेशन को आई वन मान लीजिएगा पूरे को, तो इंटीग्रेशन e raise to power minus 2x sin x dx, पिछले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, एक बार बोल दे कैसे करना है, इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, दो बार ये काम करना है तब जाकर के आपका I1 का आंसर निकलेगा, तो लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन टू टाइम्स बाय पार्ट्स वी हैव, आपके 11th क्लास का है आसान सा है कर सकते हैं आप, तो दो बार बाय पार्ट्स करना है इसका इंटीग्रेशन, पिछले चैप्टर में भी आए थे प्रैक्टिस करे थे हमने क्वेश्चन, पहला ही आर्टिकल साइन वाला यही था, लिख दीजिएगा इसका नंबर 5, नेक्स्ट टाइम लिख दें पुटिंग द वैल्यू इन 4, पुटिंग the value is 4, we have I equals, this is power twice t ऐसे ही, तो पूरी वैल्यू लिखते हैं, this is to power minus twice x upon 5, minus 2 sin x minus cos x, और इसकी लिमिट है बेटा 0 से लेके t तक, एक बार t रख देंगे और एक बार 0 x की जगह, ये आपका आंसर है, चाहे तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा दें और चाहे आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मेथड लगा दें, दोनों ही कंडीशन में आने वाला आंसर एक जैसा होता है, ये आप C9 सीख गए इस ढंग से, अब हम लेके चलते हैं आपको C10 पर, तो हेडिंग डाल दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ C10
एप्लीकेशन ऑफ सी टेन हेडिंग डाल दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ सी टेन हेविजाइट यूनिट स्टेप, हेविजाइट स्टेप भी कह सकते हैं, एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, हेविजाइड एक्सपेंशन मेथड, हेविजाइड एक्सपेंशन मेथड दिखाए क्वेश्चन लिखे हैं इसको समझने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ Find the value of following expression. Find the value of following expression. The L inverse 3p plus 1 upon p minus 1 p square plus 1. This is page 64, very important. Page number 64, very important. L inverse 3p plus 1 upon p minus 1 p square plus 1. एडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, दीजिएगा यूजिंग हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला, यूजिंग हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला वी हैव फॉर्मूला और इसका नंबर डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लिकेशन में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगती है और डिवीजन में हेविसाइड। आज इन्हीं दो मेथड के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं, दोनों को कंपेयर कर दो, लिखिएगा कंपेयरिंग 1 विद 2। तो आई का आंसर आ गया समेशन एफ अल्फा 1 अपॉन जी डैश अल्फा 1 जी रेस टू पावर अल्फा 1 टी नंबर 3, और ये एफ पी अपॉन जी पी है, तो एफ पी का फॉर्मूला आ गया 3p प्लस 1 और जी पी का फॉर्मूला आ गया p माइनस 1 पी स्क्वायर। ये सेंटेंस मेन है, जीपी इक्वल जीरो गिव्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो लिखिएगा टेकिंग जीपी इक्वल जीरो, हर क्वेश्चन में ये काम करना है, जीपी के इक्वल जीरो रख दो, लिखिएगा यूजिंग फाइ से जीपी की वैल्यू रख दीजिएगा तो पी के आंसर आ जाएंगे। एक तो आंसर है पी का 1 और पी स्क्वायर इक्वल माइनस 1, पी स्क्वायर इक्वल प्लस आई स्क्वायर, तो पी की वैल्यू प्लस माइनस आई। इस तरीके से पी के सारे आंसर्स निकालने हैं जीपी इक्वल जीरो करके, और जो पी के आंसर्स आए हैं उन्हीं का नाम है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। लीजिएगा टेकिंग अल्फा 1 इक्वल 1 अल्फा 2 इक्वल आई अल्फा 3 इक्वल माइनस आई नंबर 6। इसका हेडिंग डाल दो स्टेप 1। अगला नया हेडिंग डालिएगा स्टेप 2। हेडिंग डाल दीजिएगा टू प्रिपेयर एक्सपेंशन फार्मूला, हेडिंग डाल दीजिएगा टू प्रिपेयर
एक्सपेंशन फॉर्मूला, जो इक्वेशन नंबर 3 है वो समेशन की फॉर्म में दे रखी है, उसको फुल फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो उसी को कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला तैयार करना है। तो अल्फा की जितनी वैल्यू आई है उतना समेशन हमें ओपन करना है, अल्फा की 3 वैल्यू आई है तो 3 बार ओपन करना है। तो लिख लीजिएगा 3 इंप्लाइज है आई इक्वल अल्फा 1 अपॉन जी डैश अल्फा 1 जी डैश टू पावर अल्फा 1 पी। दूसरा टर्म अल्फा 2 के लिए तो एफ अल्फा 2 अपॉन जी डैश अल्फा 2 जी डैश टू पावर अल्फा 2 पी। और फिर 3 के लिए तो एफ अल्फा 3 अपॉन जी डैश अल्फा 3 और ई रेज टू पावर अल्फा 3 टी। और इक्वेशन नंबर 7, एक बार शुरू से समझ लीजिएगा, यही तो मेथड है बस, आज बहुत ज्यादा वर्क नहीं है। एल इनवर्स एफ पी अपॉन जी पी का फॉर्मूला ये होता है। सबसे पहले इसे इससे कंपेयर करेंगे, तो आई की वैल्यू निकली, एफ पी निकली, जी पी निकली, जी पी के इक्वल 0 रखेंगे, उसे सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाली। जो पी की वैल्यूज आती है उन्हें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहा जाता है। इस क्वेश्चन में 3 वैल्यू आई है तो ये समेशन ओपन करेंगे, उसमें 3 टर्म लिखेंगे 1 2 3। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 चार वैल्यू आती है तो एक टर्म और बढ़ जाएगा, एफ अल्फा 4 अपॉन जी डैश अल्फा 4 ई रेज़ टू पावर अल्फा 4 टी। और अगर किसी क्वेश्चन में केवल 2 ही वैल्यू रह जाती है तो केवल 2 टर्म लिखने पड़ेंगे। इससे पता चलता है कि समेशन कहां तक ओपन करना है। ये हमारा कहलाता है टू प्रिपेयर द फार्मूला। यही हमारे सवाल का आंसर बन जाता है, बस हमें इसमें वैल्यूज रखनी होती हैं। और वैल्यूज कौन सी रखी जाएंगी, एफ एस अल्फा 1 जी डैश अल्फा 1 एंड अल्फा 1, एफ अल्फा 2 जी डैश अल्फा 2 एंड अल्फा 2, अल्फा 3 जी डैश अल्फा 3 एंड अल्फा 3। ये 9 वैल्यू रखनी है, 3 3 3, 9 वैल्यू रखनी है। इन 9 में से 3 वैल्यूज हमारे पास है, बाकी हमें 6 वैल्यूज अभी निकालनी है। ये वाली अल्फा 1 1 है, अल्फा 2 आई है, अल्फा 3 माइनस आई है, ये बाकी 6 वैल्यूज और निकाल ले रहे हैं। तो लिख दीजिएगा यूजिंग 4, एफ अल्फा 1 निकालो यानी एफ 1, और एफ 1 कितना है, एफ पी में पी की जगह 1 रख दो, 3 प्लस 1 यानी कि 4, एफ अल्फा 2 निकालो यानी एफ आई, अल्फा 2 आई है तो आ गया 3 आई प्लस 1, एफ अल्फा 3 निकालो यानी एफ माइनस आई, तो ये माइनस 3 आई प्लस 1 आ गया। तीन आंसर निकल गए, और 3 पहले निकल चुके हैं, 6 हो गए, 3 और निकालने हैं। वो क्या है, जी डैश अल्फा 1 जी डैश अल्फा 2 जी डैश अल्फा 3, ये ऑल 9 इसमें रख देंगे वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो उसके लिए हमें जी डैश पी चाहिए, लीजिएगा यूजिंग 5 जी डैश पी, ये जीपी का आंसर है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो जी डैश पी का आंसर आ गया 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 नंबर 9। p स्क्वायर 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अब एक एक करके निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा जी डैश 1 इक्वल बता दीजिए क्या है, तो 3 और 1 4 माइनस 2 2, जी डैश आई निकाल के बताओ, पी की जगह आई रख दो, बताइए क्या आया, पी की जगह आई रखेंगे ना इसमें,
तो ये माइनस थ्री बन जाएगा, आई स्क्वायर फिर माइनस वन, माइनस थ्री और वन माइनस टू, माइनस टू माइनस टू आई, जी डैश माइनस आई बताइए, आई की जगह माइनस आई रखो तो माइनस टू प्लस टू आई, इक्वेशन नंबर टेन। लीजिएगा पुटिंग द वैल्यूज इन सेवन, पुटिंग द वैल्यूज इन सेवन, तब लीजिएगा वैल्यू सेवन में, लीजिएगा आई इक्वल्स सारी वैल्यू कर दो, एफ वन है फोर, जी रेस वन है टू, ई रेस टू पावर अल्फा वन है वन वन टू, ऐसे ही एफ अल्फा टू रखो, जी डैश अल्फा टू अल्फा टू, सारी वैल्यू रखते चले जाओ, सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, ये सब सिक्स वैल्यूज हैं, थ्री इक्वेशन नंबर सिक्स में है, तो सिक्स एट और टेन से वैल्यू रखने हैं, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छी तरह से आए दोनों मेथड समझ में, तो आप इनकी आज प्रैक्टिस करिएगा, दोनों मेथड हमने आपको सिखा दिए हैं, कल हम आपको नया चैप्टर शुरू कराएंगे, तो आप ये फार्मूला याद करके लाइए।